हेलो दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आप सभी का टॉपिक स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के ऑनलाइन टेस्ट में हम देखने वाले हैं 30 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप इस पूरे टेस्ट को एंड तक लगाइएगा और 30 में से आप कितने सही कर पाते हैं वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा इस टेस्ट को देने के बाद। जितने भी आंसर आपसे आते होंगे तो आपको हर एक क्वेश्चन में 5 से 6 सेकंड दिए जाएंगे, तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप उसका आंसर भी बता सकते हैं। अगर आप चाहते हैं लगातार आपको इसी तरीके के ऑनलाइन टेस्ट, करंट अफेयर की वीडियोस, मैथ की, रीजनिंग की वीडियोस मिलती रहे तो नीचे रेड कलर के बटन को दबा करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिएगा, आपके पास डेली नोटिफिकेशन पहुंचने स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूं कि आपको टेस्ट जरूर पसंद आएगा और आप इस टेस्ट को लाइक और शेयर जरूर करेंगे। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट किस देश की थी? तो ये तो आपको पता होता है कि यहाँ पे पहली महिला अध्यक्ष कौन थी कांग्रेस की, तो एनी बेसेंट, पर ये किस देश की थी ये बहुत कम बच्चों को पता होता है। तो आप इसका राइट आंसर बताइए ए बी सी डी में से कौन सा होगा। तो बिल्कुल सही है, अगर आप यहाँ पे ऑप्शन ए लगा रहे हैं तो वेरी गुड, राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, भारत का सबसे ऊंचा हवाई पतन लेह किस राज्य में स्थित है? तो बिल्कुल सही है, अगर आप यहाँ पे ऑप्शन ए लगा रहे हैं, देखिए प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताइएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, कोलकाता का साल्ट लेक स्टेडियम किस खेल से संबंधित है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो बिल्कुल सही है, यहाँ पे तीसरे का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी कहाँ से निकलती है? तो बिल्कुल सही है, अगर आप 4 का राइट आंसर ऑप्शन डी लगा रहे हैं तो प्लीज़ देखिए कमेंट बॉक्स में 4 का डी इस तरीके से लिख दिया करें, जो भी आपका आंसर होता है उससे पता चलता है कितने आप सही कर पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, सुंदरबन डेल्टा किस नदी द्वारा निर्मित है? तो बिल्कुल सही है, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, भारत का सबसे ऊंचा बांध टीरी बांध किस नदी पर स्थित है? क्वेश्चन नंबर 6 बताइएगा। तो बिल्कुल सही, यहाँ पे 6 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, बुलंद दरवाजा को किसने बनवाया था? तो ये भी बहुत बार पूछे जा चुका है, 7 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, गरसोप्पा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ये क्वेश्चन भी दोस्तों बहुत बार आ चुका है, तो राइट आंसर बताइएगा ऑप्शन कौन सा रहेगा। तो बिल्कुल सही है, अगर आप 8वें का राइट आंसर ऑप्शन बी लगा रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया था? तो बिल्कुल सही, यहाँ पे 9 का राइट आंसर अगर आप ऑप्शन सी लगा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10, रूबल किस देश की मुद्रा है? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 का यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, भूटान की मुद्रा का क्या नाम है? तो बिल्कुल सही है, 11वें का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 12, म्यांमार की नई राजधानी का क्या नाम है? तो 12वें का राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, मेजर ध्यानचंद का जन्म किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 13 का राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 14, विश्व अहिंसा दिवस किसके जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो बिल्कुल सही, यहां पे 14 का राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, विश्व में सर्वप्रथम परिवार नियोजन लागू करने वाले देश का नाम क्या है? देखिए ज़्यादा टाइम तो नहीं दे रहा हूँ ना मैं, आप बोर तो नहीं हो रहे कि आंसर आपको पता चल जाए और फिर भी आप बैठे रहते हो, तो मुझे बता दीजिएगा, मैं कम कर दूंगा थोड़ा का टाइम या फिर ज़्यादा कर दूंगा अगर कम टाइम लग रहा है आपको। बिल्कुल सही, यहाँ पे भारत राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, अपोलो 11 चंद्रयान किस देश का था? तो यहाँ पे बिल्कुल सही है, 16 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ये बहुत ही फेमस रहा था, इसके बारे में बहुत ज़्यादा मतलब आज भी चर्चा रहती है, तो इसको ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 17, चंद्रमा की सतह पर पैर रखने वाला प्रथम व्यक्ति आप सभी को पता है नील आर्मस्ट्रांग किस देश के निवासी थे, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो बिल्कुल से यहाँ पे 17 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, वायुयान से सर्वप्रथम उड़ान भरने वाले आर्विल तथा विल्वर राइट बंदूक किस देश के निवासी थे? तो बिल्कुल से यहाँ पे 18 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, भारत की किस महिला ने 7 प्रमुख सागरों को तैरकर पार करने वाली विश्व की पहली महिला बनी? तो क्वेश्चन बहुत अच्छा है ये भी, और यहाँ पे 19 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार मतलब आ चुका है, बहुत ही फेमस है, जो रिपीट रहता है। तो 20 का यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, हडसन उपसागर किस महाद्वीप में स्थित है? तो यहाँ पे 21 का राइट आंसर बिल्कुल सही, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 22, विश्व का सबसे बड़ा पार्क कहाँ स्थित है? तो बिल्कुल सही, यहाँ पे 22वें का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 23 यहाँ पे, सेरा किस देश का सांसद का नाम है? तो बिल्कुल से यहाँ पे ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, इजराइल के गुप्तचर संस्था का क्या नाम है? तो यहाँ पे 24 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, मैगिनॉट रेखा किन दो देशों के बीच स्थित है? तो 25 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। दोस्तों अगर आप डेली टेस्ट लगाते हैं ना, और अगर आपको टेस्ट पसंद भी आ रहा है, तो आप डेली लाइक भी कर दिया करें, शेयर भी कर दिया करें, ताकि और भी दूसरे बच्चों तक टेस्ट पहुंच सके। ठीक है, और इसी तरीके से लगाते रहें ना, तो एक दिन ऐसा आएगा कि आपको सारे के सारे क्वेश्चंस रट जाएंगे, क्योंकि मैं डेली जब टेस्ट लेके आऊँगा उनमें कुछ क्वेश्चंस रिपीट भी होते रहेंगे, तो इसी तरीके से आप मतलब बहुत अच्छे हो जाएंगे, जीके का पोर्शन बहुत बढ़िया हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 26, विश्व में सबसे लंबी समुद्री तट किस देश की है?
तो यहाँ पे बिल्कुल सही, 26 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 27, संयुक्त राष्ट्र संघ में कुल कितने सदस्य देश हैं? तो यहाँ पे 27 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 28, विश्व व्यापार संगठन के सदस्य देश कितने हैं? तो यहाँ पे 28 का देखिए राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 29, सार्क का नवीनतम सदस्य कौन सा देश है? 29 तो बिल्कुल सही, यहाँ पे 29 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस सम्मेलन में हुई थी? और 30 का यहाँ पे राइट आंसर बी हो जाएगा। दोस्तों आप इसकी पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, टॉपिक स्टडी टेलीग्राम चैनल पे जाइएगा, यानी कि टेलीग्राम पे जाने के बाद वहाँ पे आपको टॉपिक स्टडी सर्च करना है, तो वहाँ पे आपको ये मिल जाएगा। जाने के बाद में ज्वाइन कर लीजिएगा, ज्वाइन करने के बाद में पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों आरपीएफ एसआई की अगर आपको टेस्ट सीरीज लेनी है तो 20 टेस्ट की ये है, 199 रुपये में थी, जो वो अब 50 रुपये का इस पर डिस्काउंट चल रहा है, आप इसे 150 रुपये में खरीद सकते हैं। अगर आप सीरियस कैंडिडेट हैं और अगर आपने प्रिपरेशन अच्छे से कर रखी है तो तभी खरीदिएगा, क्योंकि आप अगर टेस्ट को खरीदने के बाद में या उससे पहले आपने प्रिपरेशन ही नहीं की तो आपके लिए कोई फ़ायदेमंद नहीं है। अगर आपने प्रिपरेशन कर रखी है तो ज़रूर परचेज कर लीजिए, और अगर आप चाह रहे हैं कि इसी साल सिलेक्शन लेना है तो ज़रूर परचेज कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे टाइम मैनेजमेंट की जो प्रॉब्लम आती है वो ऑनलाइन टेस्ट ही आपकी प्रॉब्लम को दूर करते हैं। ठीक है, ऐसी आपकी आरपीएफ कांस्टेबल के लिए भी है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी के लिंक है, जो साइड में त्रिभुज का निशान बना होता है इस पर क्लिक करके आप जाएंगे तो नीचे सारे के सारे लिंक आपको मिल जाएंगे, एएलपी सीबीटी 2 का भी, यूपी पुलिस का भी। इसमें आप सभी को कोड बस यही यूज करना है सौरभ एसपीएल। जितने भी टॉपिक स्टडी फैमिली मेम्बर हैं टॉपिक स्टडी के, तो उन सभी के लिए डिस्काउंट है 50 रुपीज़ का, तो आप ये 50 रुपीज़ का डिस्काउंट लेके सौरभ एसपीएल कोड भर के आप ले सकते हैं। दोस्तों अगर आप कोई भी फीडबैक देना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे आप